हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑरो फार्मा यानी कि औरबिंदो फार्मा के बारे में। गाइस, आज हमने जब ये रैली देखी और हमें पता चला कि 19 फरवरी है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमने देखा कि यहाँ पर इसमें 20% की उछाल हमें ऑरो फार्मा के अंदर आते हुए देखने को मिली। तो इसके पीछे रीज़न क्या था और ये जो बीच 20% भाग चुका है, जो 100 पॉइंट की रैली देख चुका है, अगर किसी ने होल्ड करा हुआ है इसे, तो क्या वो प्रॉफिट बुक कर ले, क्या और अपसाइड है या डाउनसाइड आ सकती है। तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे चार्ट्स में ऐसा क्या बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची के बारे में हम देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसका आगे का फ्यूचर क्या है। गाइस, दूसरी बात, इसमें जो 20% की रैली आई थी आज, हम उस पर क्या न्यूज़ थी, किस न्यूज़ की वजह से आई थी, हम उस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम बेसिकली सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेंगे। तो न्यूज़ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि औरबिंदो फार्मा ने आज 20% की रैली दी है, 19% की रैली दी है, और 594 पे जाके इसने बीएससी के अंदर अपनी क्लोजिंग करी है वेडनेसडे की, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की बात है गाइस। और इस पे है क्या, इस पे जो कंपनी की जो यूनिट 4 है, अगर हम बात करें तो यूनिट 4 पे कंपनी को रिसीव हुआ है एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद वॉलंटरी एक्शन एंड इनिशिएटेड स्टेटस के साथ। यूएस एफडीए ने यहाँ पर इनको एक ये स्टेटस को रिसीव करा इन लोगों ने। सो अब इसके पीछे रीज़न क्या है और ये हुआ क्या, कब था, तो अगर हम बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो अप्रूव्ड कर दिया गया, जो इसके पीछे रीज़न था, ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 3 में 2019 पे। तो 2019 पे ये स्टार्ट हुआ था और आप देख सकते हैं कि तब जब ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई थी कि इस पे 14 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए ने लगा दी हैं और इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ये औरबिंदो फार्मा के यूनिट 4 को, तो पता चला था कि उसने 9% की गिरावट दी थी बीएससी के अंदर, जो कि 3 नवंबर की बात है, और वहाँ पर इसने अपना 5 साल का लो लगाया था 393 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा है 5 साल का लो लगाया था 393 का, और ये हैदराबाद फैसिलिटी में हुआ था। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये पर्टिकुलरली बैड न्यूज़ आई थी औरबिंदो फार्मा के अंदर, उसने अपना लो बनाया था 393 का, 5 साल का लो तोड़ा था, और अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट उसी दिन से वो इसका 52 वीक लो हो गया, और यहाँ से अगर आपने उस गिरावट पे बाय करी होती, इस पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज़ वाले दिन बाय करा होता, और अगर आप आज जब ये आ गया है कि वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थी वो गलत थी, नहीं आया, तो आप देख सकते थे कि ये पर्टिकुलर 400 रुपये का स्टॉक 600 रुपये हो चुका है। तो ये टाइम पीरियड में आपने बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया होता है इसमें, और वो मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा कैसे इसका 52 वीक लो या बॉटम वो बना था। तो अब हम बात कर जाते हैं सीधा चार्ट की तरफ और चार्ट्स में स्टडी करते हैं कि हमें वो किस तरीके से दिखा रहा है चार्ट्स। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलरली मैंने चार्ट ओपन कर दिया है और ये ऑरो फार्मा का वीकली का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीकली के चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चैनल रेजिस्टेंस का बना रखा है और एक सपोर्ट का चैनल बना रखा है। तो ये चैनल के अंदर ट्रेड करता था और ये चैनल अगर हम बात करें तो इसका जो हायर है वो 896 का है, और अगर हम लो की बात करें तो वो है 836 का, यानी कि कुछ 50% 50 रुपये का डिफरेंस में अपर रेजिस्टेंस का चैनल है, 50% के डिफरेंस में लोअर का सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ने एक रैली दी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, इधर रेजिस्टेंस फेस करा, चैनल में इस साइड इसने रेजिस्टेंस फेस करा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल बार इसने रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करी। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया एंड सिक्स्थ टाइम भी सपोर्ट लिया, और यहीं से बाउंस बैक करा, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये तोड़ा। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो बॉटम देख रहे हैं, ये जो यही है 3 नवंबर का, 3 से 14 नवंबर तक ये बात चली थी, ऑब्जर्वेशन चली थी, तो इसी के अंदर अंदर इसने अपना 396 का लो मारा था, और यहाँ से आप रैली देख सकते हैं कि ये अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 601 पे है। तो इतनी बढ़िया इसने रैली दे दी है और हम मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक आगे फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है। तो अब हम चार्ट की अगर एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि मैं इसे जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ और तब आपको पता चलेगा कि देख सकते थे कि अब जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है, वीकली की हम बात कर रहे हैं, तो इसने इसी सपोर्ट चैनल के अंदर अपने हायर सपोर्ट चैनल के अपर रेजिस्टेंस चैनल पे दी है।
तो अब हमारा क्या कहना है, क्या ये दोबारा यहाँ से नीचे आ सकता है? क्योंकि ये तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, आप देख सकते हैं ये पूरा चैनल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम है, ये अकेला ये नीचे वाला नहीं है लाइन। तो अब हमें किस तरीके से इसमें स्ट्रैटेजी बनानी है, तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये इस चैनल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है, वीकली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, और वीकली बेसिस की अगर हम बात करें तो आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दो दिन ही बचे हैं इसकी वीकली क्लोजिंग में। अगर ये कल 605 रुपये के ऊपर अगर ये अपनी क्लोजिंग देता है वीकली क्लोजिंग, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा अपर रेजिस्टेंस तक जा सकता है, यहाँ तक इसमें जा सकता है। बीच में थोड़े बहुत हर्डल्स इसे मिलेंगे, पर हम लगा सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर जाने की इसकी कैपेसिटी है। अगर हम बढ़ते हैं दूसरे एक और आपको इसमें चार्ट में दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है, और ये भी वीकली चार्ट का है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कराई, ये मैंने 2 सितंबर 2013 से लेके अब तक का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है। तो ये बॉटम क्या है, बॉटम इसका है 85 रुपीज का, जब ऑरो फार्मा 85 रुपीज में था और जो इसका हाई था 895 का, तो वहां से बॉटम से लेकर टॉप तक का मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये न्यूज आई थी बैड न्यूज, उस दिन जो अपना इसने लो मारा था, वो लो मारा था 0.618, यानी कि गोल्डन रेशियो पे, गोल्डन फिबोनाची रेशियो माना जाता है जो कि 618% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, वहां इसने अपना लो मारा और हमने एक अपसाइड की तरफ रैली देखी। तो आप देख सकते हैं ये जो रेशियोज होते हैं गाइस, ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे 236 का रेशियो आप देख सकते हैं, यहां पर मल्टीपल बार इसने सपोर्ट्स लिया, और आप देख सकते हैं यहां पर भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहां रेजिस्टेंस लिया। अगर 382 की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने सपोर्ट लिया। अब अगर हम बात करें 5 की, तो 5 पे भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहां इसने रेजिस्टेंस फेस करा था। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और हम इसकी एक्यूरेसी पे अगर काम करें तो, और अगर अच्छे से इसे काम में लगाएं, अपने चार्ट्स में लगाएं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक चैनल पे है, और इसका चैनल का रेजिस्टेंस क्या है, वो चैनल का रेजिस्टेंस है 600 रुपये का। अब आप देख सकते हैं कि ये गाइज, अब आप देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बना के दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चैनल और बना देता हूँ, ये गाइस ये रहा चैनल। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर जो ये तीन रेशियोज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। हम बात करें 382 की, 5 की और 618 की, अगर हम बात करें तो ये जो तीन रेशियोज होते हैं, ये तीन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर ये इस रेशियो में है 618, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल जो बन के आता है वो 786 का बन के आता है, और अगर ये 386 का लेवल ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन के आता है वो 236 का बन के आता है। अब ये जो रेंज है, जो अगर हम बात करें, ये जो रेंज है 382 का जो प्राइस है वो आता है 585 का, और जो इसका लो है वो है 400 रुपये का। तो ये 200 रुपये की रेंज के अंदर ये एक हम मान के चलते हैं कि नो मूवमेंट है, ये 200 रुपये के अंदर अटक गया है, पर जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली दोबारा स्टार्ट हो जाती है, या फिर अपने हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, या अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम मान के चल सकते हैं कि फिबोनाची के लोअर लेवल तक ये जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। अब ये ऑरो फार्मा की बात करें तो बहुत बढ़िया कंपनी है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रैली दी है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये दोबारा अपने 600 के लेवल से ये 200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या 85 तक जाएगा, तो प्रोबेबली हम एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही रैली दे सकता है। तो अब हमें काम क्या करना है, अभी हमें इसमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करके चलनी है। पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे ही अपना 600 के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग होती है कैंडल, तो हम इसमें एक बाय पोजिशन इनिशिएट करेंगे। और दूसरी बात, आप यहाँ देख सकते हैं जो रिस्की ट्रेडर्स है कि जो 382 का लेवल था उसे आज इसने ब्रेक कर दिया, ये लेवल को देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है। मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, इसने इस वाले रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर ये इस 585 और 600 का, ये 15 रुपये का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो जैसे ही इसके ऊपर ये अगर बंद हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी रैली आएगी वो अच्छी रैली आ सकती है। तो हमें क्या ट्रेड लेकर चलना है, हमें ऑरो फार्मा को जिस भी लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है वो गाइस होल्ड करके रखिए, वेट करिए, क्योंकि गाइस ये जो वीकली कैंडल होती है ना, ये वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
और अगर ये हमारे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे की जो इसकी मोमेंटम आएगी वो बहुत अच्छी आ सकती है। तो हमें क्या करना है, और गाइस एक और अच्छी बात है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो भी इस पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और गाइस मैं भी जरूर बनाऊंगा इसमें अपनी पोजीशन। मुझे बस वेट करना है कि वीकली क्लोजिंग आ जाए, मुझे लगता है तो ये कल भी एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, और अगर ये कल भी मूवमेंट देता है तो इंट्राडे पे भी आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो 585 के अगर आपको आसपास मिलता है या 600 से 585 15 रुपये की रेंज में मिलता है तो एक बार आप रिस्क लेके इसमें बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्टॉप लॉस इस पर 540 रुपये का लगा के चल सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, मुझे लगता है कि पहला टारगेट ये 640 का दे सकता है और सेकंड टारगेट ये 700 रुपये तक का दे सकता है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल पे हमने देखा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, जब इसने तोड़ा यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और नीचे आ गया, तो दोबारा हो सकता है कि ये अपने पहले पुराने प्रीवियस स्विंग हाई पे जाए जो कि 640 का है और उसे ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल इसका अप्रॉक्सीमेटली 700 का है। और गाइज इसको अगर हम हफ्ते में गिने या कैंडल्स में गिने तो मुझे लगता है कि एक महीना से डेढ़ महीना लग सकता है इसे 700 रुपये तक आने में। बेस्ट स्टॉक है, बाय करके आप चल सकते हैं और 17-18% का रिटर्न आपको आराम से और दे सकती है। सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस, और अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के, और उसके साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, जब भी मेरी वीडियोस रिलीज़ होंगी यूट्यूब पे आएंगी सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, IRCTC के ऊपर वो वीडियो आ रही है, वो कंपनी क्या करती है, किस सेगमेंट में है, क्या उसका फेयर वैल्यूएशन है, बैलेंस शीट से लेके IPO से लेके सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि उस पर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्या एग्जिट करने का समय आ गया है या फ्रेश पोजीशन हमें बनानी चाहिए, क्योंकि ये हम जो मूवमेंट देख रहे हैं कि अपने IPO की लिस्टिंग से ये अब तक 450% का रिटर्न दे चुकी है, और गाइस इसे 6 महीने भी नहीं हुए हैं आए हुए, तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं आए हुए और वो पर्टिकुलर स्टॉक 450% का रिटर्न दे चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया IPO है वो। तो पूरी जानकारी की वो वीडियो आने वाली है, हमारे साथ बने रहिएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।